परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे सही राह दिखाता है और परमेश्वर का प्यार के बारे में बताता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमको आज इतना अच्छा अवसर दिया है कि हम लोग दूर से चल करके यहाँ पर आप लोगों के बीच में पहुँचे हैं। और हम शुक्रगुजार हैं कि उसने हमको एक अवसर दिया कि हम आपस में बातचीत कर सकें। लेकिन इससे पहले कि हम अपने टॉपिक में जाएं, हम परमेश्वर से
प्रार्थना करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, परमेश्वर से दुआ करेंगे। आकाश और पृथ्वी को रचने वाले परम पूज्य परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो कि तूने हमें ये सुअवसर दिया है कि हम तेरे बच्चे दीगर जगहों से चल कर के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और धन्यवादी हैं कि हम लोग एक साथ बैठ कर के तेरे वचन का मुतायला कर सकते हैं, तेरे वचन के बारे में बातचीत कर सकते हैं। आए प्रभु, धन्यवादी हैं कि तूने हमें चुना ताकि हम तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल हो सकें। तू हमारे साथ हो, हमारे जीवन को अपने हाथ में ले, हम सबको आशीषित कर, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, क्योंकि तमाम आशीष बरकतें प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। अजीजो, मैं खुश हूँ कि आप लोगों के साथ में बातचीत कर सकता हूँ। आपको मालूम है कि हम इस दुनिया के अंदर ऐसे ही नहीं आ गए हैं। ख़ास तौर से जो मसीही लोग हैं वो सभी जानते हैं कि इंसान इस दुनिया के अंदर किस प्रकार से आया है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और जो भी कुछ हम देखते हैं ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, और ये देखा गया कि वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुहावना था। और इस सब के साथ साथ परमेश्वर ने इंसान को भी बनाया। आपको मालूम है कि इंसान के और परमेश्वर सृष्टि के बनाने में अंतर है। सृष्टि बनाई, परमेश्वर ने वचन बोला, उसने कहा और हो गया। लेकिन परमेश्वर ने इंसान को ऐसे नहीं बनाया। परमेश्वर ने इंसान को बनाया मिट्टी से। उसने मिट्टी ली, उसे साना, और सान करके एक पुतला बनाया, और उस पुतले में उसने अपना दम फूंक दिया और इंसान जीवित प्राणी बन गया, आदम बन गया। उसके अंदर दम आ गया, इंसान चलने फिरने लगा, विचरने लगा। लेकिन जैसा कि सृष्टि का इतिहास बताता है कि परमेश्वर ने जब दुनिया को बनाया, हर चीज़ के जोड़े को बनाया, नर और नारी करके बनाया, मादा और नर करके बनाया, लेकिन इंसान अकेला था। अजीजो, बाइबल इस चीज़ के लिए नहीं कहती कि कितने समय तक इंसान अकेला रहा, लेकिन ये देखा जाता जब परमेश्वर उससे मिलने के लिए आता था तो परमेश्वर ने ये देखा कि इंसान अकेला है, और उसके लिए भी एक संगी साथी बनाया जाए, और परमेश्वर ने उसके लिए भी एक संगी साथी बनाया। जैसे कि आदम की रचना करी, वैसे ही उसने उसके संगी साथी की भी रचना की, और जब उसको लेकर के वो आदम के पास आया, आदम से कहा तो इसका नाम क्या रखना चाहता है, और आदम ने उसका नाम नारी रखा। क्योंकि नर, उसमें बताया जाता है कि नर में से एक हिस्सा जो है उसके अंदर रखा गया, नर में से नारी को निकाला गया, इसलिए उसका नाम नारी रखा। और आदम हवा उनको वहाँ पर उस दुनिया के अंदर रख दिया जो कि परमेश्वर ने बनाई थी, उस सृष्टि के अंदर रख दिया जो कि उसने बनाई थी, और उस सृष्टि का उसने उसे वारिस बना दिया, एक मालकाना हक दे दिया, और कहा कि तुम इसमें सुरक्षित रहो, फूलो फलो और पृथ्वी में भरते चले जाओ, आशीषित हो जाओ। और वो लोग खुश रहते थे, वहाँ पर बढ़ते चले गए। लेकिन कितना समय बीता नहीं कह सकते। एक समय आया कि उनकी उस खुशी में एक कष्ट आ गया, एक तीसरा पर्सन आ गया, जिसको कि हम लोग शैतान के नाम से
पुकारते हैं, जिसको कि शैतान कहा जाता है, वो उनके जीवन में आ गया और उसने आकर के उनकी खुशहाल जिंदगी को नरक वाली जिंदगी बना दिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की उन बातों का उल्लंघन किया जिनके लिए परमेश्वर ने मना किया था, उस फल को खा लिया जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। अजीजो, हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो व्यवस्था थी ऑलरेडी पहले से वहाँ पर थी, और उसने कहा था कि जिस दिन तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे निश्चय मौत तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। पवित्र शास्त्र बाइबल जो है इस चीज़ का साक्षी है कि जिस दिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा उसी दिन उस सृष्टि का पतझड़ हुआ, पेड़ों से पत्ते गिरे और उनकी जिंदगी कम होनी शुरू हो गई, और हम देखते हैं उस समय से इंसान के ऊपर मृत्यु आ गई, और उसके बाद जो भी सृष्टि बनी परमेश्वर ने देखा, क्योंकि इंसान ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था, तो उनको कैसे बचाया जाए। आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जब इंसान ने पाप किया यानी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उसने क्या किया, उनको अपने पास बुलाया। आपको मालूम है कि जब इंसान गलती करता है तो वो छुपने की कोशिश करता है, और हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में कि जब आदम और हवा को ये पता चला कि पिता परमेश्वर आने वाला है, तो वो जा करके झाड़ी के पीछे छुप गए। परमेश्वर ने कहा, आदम आदम, ए आदम तू कहाँ है? आदम ने धीरे से कहा, हम यहाँ पर हैं। क्यों हो तुम वहाँ पर? बाहर आइए। देखिए, उस गुनाह का, उस आज्ञा के उल्लंघन का असर था उनके जीवन में। अपने सरों को झुकाते हुए वो परमेश्वर के नज़दीक आए, और लिखा है कि उन्होंने वस्त्र पहने थे पत्तों के, लेकिन जब परमेश्वर के सामने आए तो परमेश्वर ने उनको एहसास दिलाया, तुमने गलती की है और इस गलती की सज़ा तुम्हें अवश्य मिलेगी, क्योंकि उसकी व्यवस्था में था पाप की मजदूरी क्या है, मौत है, और मौत इंसान के ऊपर बरपा गई, और परमेश्वर ने फिर भी उनसे प्यार किया। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब इंसान ने गुनाह किया तो परमेश्वर ने उनके लिए योजना बनाई। अजीजो, परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि तुमने जो गुनाह किया है, तुमने जो पाप किया है, उससे तुम किस प्रकार छुटकारा पा सकते हो, और उसने एक उदाहरण दिया कि एक जीव को उसने उनके पापों के बदले में वहाँ पर ज़िबह किया, पापों के बदले में उसको वहाँ पर कुर्बान कर दिया, और उस कुर्बानी के जीव के चमड़े के वस्त्र को जो है आदम और हवा को पहनाया। आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को चमड़े के वस्त्र पहनाए, लेकिन परमेश्वर का जो विश्वास था, जो परमेश्वर उनके ऊपर भरोसा रखता था, उसमें गड़बड़ी हो गई, और परमेश्वर ने कहा कि अब इनका यहाँ पर रहना अच्छा नहीं है। और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को उस मुकद्दस जगह से, उस पवित्र स्थान में से बाहर कर दिया, और उनके लिए व्यवस्था बना दी कि जब तक तुम्हारे लिए तुम इसका पश्चाताप नहीं करोगे,
तौबा नहीं करोगे और इसके बदले कुर्बानी नहीं करोगे तब तक तुम्हारे गुनाह तुम्हारा पाप जो है वो क्षमा नहीं होगा। और हम देखते हैं आगे बढ़कर के जब ये लोग जंगलों में रहते थे, मेहनत और मशक्क़त करते थे, इनके आस औलाद हुए आप जानते हैं काहिन और हाबिल, उनका जिक्र पाया जाता है। वहाँ पर वो कुर्बानी के लिए अपनी अपनी भेंटें लाते हैं ताकि उनके पाप जो हैं वो क्षमा किए जाएं। और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी बड़े विश्वास के साथ अपनी भेंट परमेश्वर के सम्मुख लाता है लेकिन दूसरा वफादारी के साथ नहीं लाता। हम देखते हैं कि जो वफादारी से लाता है परमेश्वर उसको स्वीकार करता है, उसको कबूल करता है, उसके जो जब भेंट चढ़ाई उसने उसमें जो है परमेश्वर प्रकट होता है, उसमें आग जो है प्रज्वलित हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर उसकी भेंट से उसकी कुर्बानी से खुश है और उसके गुनाह जो है वो माफ़ किए जाएंगे। लेकिन जो दूसरा था आप जानते हैं जो काहिन था वो भी लाता है, वो उसके जो गिफ्ट थी उसकी जो भेंट थी जो उसकी कुर्बानी थी उसको परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है और ये चीज़ उनके अंदर एक दुश्मनी का कारण बन गई। आप जानते हैं कि काहिन ने अपने छोटे भाई हाबिल को कत्ल कर दिया, मार दिया, लेकिन उसका खून जो है उसको पुकारता रहा। आप बाइबल में देखेंगे आगे चल कर के कि उसका खून उसको पुकारता है। अजीजो ये बुनियाद हो जाती है कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है इंसान के गुनाह को माफ़ कर सकता है। उसका एक जरिया था कुर्बानी, और कुर्बानी भी ये बताई जाती है ऐसे चीज़ की जो कि निष्कलंक हो, निष्कलंक बर्रा हो, जैसा कि उसने आदि में आदम और हवा के लिए किया था। आपको मालूम है कि आदम और हवा को वस्त्र पहनाए गए ताकि उनकी कुर्बानी उनके गुनाह जो है माफ़ किए जाएं, लेकिन वो ढांप दिए गए थे, गुनाह माफ़ नहीं हुए थे और वो चलते चले आ रहे थे। अजीजो उस गुनाह की वजह से इंसान के ऊपर मौत आती चली गई, लेकिन इंसान फिर भी गुनाह में ही बढ़ता चला गया। आप सब जानते हैं एक वक्त आया करीब 2000 साल बाद, 2000 साल के बाद कि जबकि दुनिया बहुत बढ़ गई थी लेकिन गुनाह भी वैसे ही बढ़ता चला गया, जो बात परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। परमेश्वर उनके साथ किसी न किसी के जरिए बातचीत करता रहा, वो अपने लोगों को इस दुनिया में से चुनता रहा और उनसे बातचीत करता रहा ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगी में पश्चाताप करें, तौबा करें और अपने गुनाहों का पश्चाताप करके तौबा करें और परमेश्वर से माफ़ी मांगें ताकि परमेश्वर जो है उन्हें माफ़ करे। लेकिन फिर भी कुर्बानी का होना बहुत ज़रूरी था। अजीज़ों मैं बताना चाहता हूँ ये जो कुर्बानी या जो मैं आज आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ वो भविष्यवाणियों के बारे में बात करना चाहता हूँ कि इस गुनाह से बचाने के लिए परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता रहा ताकि वो लोग दूसरे लोगों को उसके प्रचार करते रहें, ताकि दुनिया भी लोग अपनी ज़िंदगियों में सोचें, समझें और पश्चाताप करें और अपने आप को परमेश्वर के कदमों में ले आएं, ताकि उसका रहम और फजल उनके ऊपर हो और उनके गुनाह जो है माफ़ हो सकें। लेकिन कुर्बानी का होना बहुत ज़रूरी था। आप देखते हैं कि गुजरे समय में लोग जो थे बकरों की कुर्बानियां करते थे, लोग जो थे ऊँटों की कुर्बानियां करते थे, लोग जो थे बैलों की कुर्बानियां करते थे, कबूतर की कुर्बानियां करते थे और बहुत सी मीन्स उनके गुनाह के बदले में खून बहाया जाता था। लेकिन अभी भी इंसान के गुनाह जो है वो माफ़ नहीं हुए थे। आपको मालूम है कि जल प्रलय हुआ,
परमेश्वर ने पूरी दुनिया को हलाक कर दिया, पूरी दुनिया जो थी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि लोग जो थे गुमराह हो गए थे, परमेश्वर से दूर हो गए थे। लेकिन एक शख्स था जिसके पास ये परमेश्वर का पैगाम आया कि तू परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर तो तू बच सकता है। और हम सब जानते हैं उस शख्स का नाम था नूह, जिसको बोलते हैं नूह। और नूह को परमेश्वर ने कहा कि तू ऐसी कश्ती बना, एक बहुत बड़ी कश्ती बना, जिसमें कि दुनिया के हर सृष्टि के जीव जो है उसके अंदर आ सकें। उसका नाप तोल सब परमेश्वर ने उसको दिया। और अजीजो, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और उसने उस नौका को बनाया ताकि वो अपने आप में उसके लिए तैयार कर सके। वो दिन आया, आप सब जानते हैं कि 40 दिन और 40 रात बरसात हुई, सब दुनिया जो थी पानी में डूब गई, लेकिन नूह और उसका परिवार और उसके जो जीव जंतु थे उस नाव में बैठ करके उस पानी के ऊपर तैरने लगे और तमाम दुनिया जो थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन नूह और उसका परिवार जो है वो बच गया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, उसने परमेश्वर की बात को माना और उसके अनुसार उसने अपने आप को तैयार किया। उस समय से फिर दुनिया के अंदर आप देखते हैं इंसान बढ़ता और तरक्की करता चला गया, लेकिन जैसे जैसे दुनिया बढ़ी वैसे ही पाप भी जो है उसके अंदर बढ़ता चला गया। फिर करीब 2000 साल होते हैं और फिर परमेश्वर को ऐसा वो होता है कि वो इसको दुनिया को फिर से हलाक कर दे, फिर से बर्बाद कर दे। लेकिन परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि मैं इस इंसान को प्यार करता हूँ और इस इंसान को मैं बचाना चाहता हूँ। तब उसने इस कुर्बानी के लिए एक मैसेज दिया कि इस दुनिया को बचाने के लिए एक परमपिता परमेश्वर स्वयं इस दुनिया के अंदर आएगा ताकि वो इस दुनिया के लोगों के लिए कुर्बानी कर सके, क्योंकि बिना कुर्बानी के पाप जो है किसी भी इंसान का क्षमा नहीं हो सकता था। और अजीजो, उसके लिए परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लोगों को चेतावनी दी, लोगों को बताया कि दुनिया के गुनाहों को माफ़ करने के लिए एक कुर्बानी जो है तैयार हो रही है, जो कि इस दुनिया के अंदर आएगी। और वो कुर्बानी स्वयं परमपिता परमेश्वर थे, जो कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में होकर के इस दुनिया के अंदर आने वाले थे। और उन्होंने वो योजना बनाई कि कैसे कैसे वो इस दुनिया के अंदर आएंगे। अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ, ये पवित्र शास्त्र बाइबल इस चीज़ का प्रतीक है। अगर आप इस बाइबल को शुरू से पढ़ेंगे और अंत तक जाएंगे तो इसके अंदर एक तस्वीर जो है आपको मिलेगी, और वो तस्वीर किसकी होगी? वो परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने पहले से आगाह कर दिया था, पहले से लोगों को बता दिया गया कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आएगा। अगर हम मत्ती की इंजील और उसके पहले चैप्टर में पढ़ते हैं तो उसमें पूरी उसकी जीनियोलॉजी लिखी हुई है, उसके अंदर पूरी उसका एक के बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, वो सारी सृष्टि की श्रृंखला जो है उसके अंदर पाई जाती है और मसीह यीशु तक पहुंचती है। उसके लिए बताया कि वो कहां से आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, क्यों आएगा, किसके लिए आएगा, ये परमेश्वर ने इस दुनिया के अंदर इस दुनिया के लोगों को बता दिया था। उसके लिए पेशन गोई कर दी थी कि वो इस दुनिया में आकर के दुनिया के गुनाहों को ले जाएगा। और हम सब जानते हैं ये पेशन गोइयाँ आज से नहीं, मसीह यीशु के आने से 650-700 साल पहले जो है हो गई थी। आप जानते हैं यशाया नबी कितने वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह के थे, डैनियल नबी कितने वर्ष पहले मसीह यीशु से थे, और उन्होंने उसके बारे में बताया
कि ऐसा ऐसा समय होगा और किस परिवार से आएगा? दाऊद के परिवार से आएगा। किसके लिए आएगा? पापी लोगों के लिए आएगा, ताकि उनको गुनाहों को वो जो है धो डाले। और कैसे धो डालेगा? अजीजो, एक अजीब तरीका था परमपिता परमेश्वर का, और वो तरीका था कि वो अपना लहू जो है बहाएगा, अपना खून बहाएगा दुनिया के गुनाहों के बदले में, दुनिया के पापों के बदले में। जो इंसान दुनिया के अंदर पाप कर रहा था, उससे किस प्रकार से उनका छुटकारा मिल सकता है? अजीजो, परमेश्वर की ये योजना इंसान के लिए थी, क्योंकि परमेश्वर इंसान से प्यार करता है। वो उसे मारना नहीं चाहता, बल्कि उसको बचाना चाहता है। इसीलिए उसने ये योजना बनाई कि वो स्वयं एक छोटे बच्चे के रूप में, प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया के अंदर आए और दुनिया के लोगों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे। और हम सब जानते हैं कि उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, ताकि हम सब लोग जो हैं बचाए जाएं। प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो कि तूने हमें इतना अच्छा अवसर दिया कि हमने तेरे कलाम के बारे में कुछ बातचीत की और उन भविष्यवाणियों की बुनियाद डाल सके जो कि तूने अपने पवित्र शास्त्र बाइबल में दुनिया के गुनाहों की क्षमा के लिए योजना बनाई, कि किस तरह से दुनिया भी इंसान के गुनाह जो है माफ़ किए जाएंगे। आए प्रभु, हम धन्यवादी हैं उस योजना के लिए, ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाएं और हम वो जीवन प्राप्त कर सकें जो कि तूने, जिसके लिए तूने इंसान को बनाया था। हम आज अपने आप को तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, तू हम में से प्रत्येक के साथ हो और प्रत्येक को आशीषित कर, ताकि हम तेरी मर्जी के मुताबिक अपने आप को तैयार कर सकें। तमाम भूल चूक गुनाह कसूर गलतियों को क्षमा कर, हम सबके जीवन को अपने हाथ में ले, क्योंकि ये तमाम आशीष बरकतें प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में होकर के मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपका कोई प्रार्थना है या आप प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल और हमारा एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप उसके मुताबिक हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।